गोवा आते हैं आराम करने। तो आराम करो। तो हाँ, हम निकल ही लिए एक रोड ट्रिप पर, एक लंबी रोड ट्रिप पर। देखना ये था ये 1000 किलोमीटर क्या नया दिखाते हैं। इंदौर से नासिक, वहाँ से पुणे होते हुए गोवा। ठीक है, साउंड ऑन, बातें बंद, ध्यान इन खूबसूरत रास्तों पर। गोवा तो हम लोग रोज आते नहीं हैं, और आते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि मज़ा पूरा आना चाहिए। तो रूम हो तो ऐसा हो, और फिर उसके बाद व्यू पहाड़ का। स्विमिंग पूल भी ज़रूरी है, गार्डन भी ज़रूरी है। दो चीज़ें हैं, गोवा पहली बार आए हो या बहुत ज़्यादा टाइम आ चुके हो। अगर पहली बार आए हो तो जाओ कैलिंगुट बागा, उधर जाके घूम लो, और सुबह से उठ के और ऐसे निकलो कि जाना है, पूरा प्लान बना के कि पहले ये, पहले वो, फिर ये, फिर वो। पर मेरा ऐसा है कि 4-5 बजे तक करो आराम से होटल में, आराम करो बढ़िया, स्विमिंग पूल में इंजॉय करो, उसके बाद निकलो। तो फिर जाना है तो ऐसी जगह जाओ। मोरजिम बीच है जो बहुत साफ़ है पूरा। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि 6 महीने ये बीच चालू होता है, यहाँ के जितने भी शेक्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, सब 6 महीने के लिए चालू होते हैं। और जिसमें से आज मैं यहाँ पर बर्गर फैक्ट्री करके एक जगह है जहाँ पर आज मैं ट्राई करने वाला हूँ। यहाँ के बहुत फेमस गोवा में बर्गर हैं, अगर आपको बर्गर का शौक़ है तो आओ ट्राई करो यहाँ पे। तो ये 6 महीने इसलिए बंद रहता है क्योंकि मॉनसून में पानी जो है उसका वाटर लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि सब चीज़ें डूब जाती है, तो इस वजह से तो ये जगह बंद हो जाती है। पर मोरजिम, आरम्बोल, ये बीच सबसे अच्छे हैं। शहर में मत जाओ, भीड़ में मत जाओ, यहाँ चिल करो। अभी मैंने ट्राई किया बर्गर फैक्ट्री का बर्गर, तो वो वर्थ है। आप आ रहे हो अगर मोरजिम तो खाओ, थोड़ा महंगा है पर बढ़िया है। आए हो तो सनसेट देखना सबसे ज़रूरी है। सिंक्वेरियम बीच पर है, सिंक्वेरियम बीच बड़ा सुंदर है, ये कंडोलिम में है और बहुत साफ सुथरा बीच है। Bye.
का सनसेट देखने के बाद बीच पे पानी में थोड़ी देर मस्ती करने के बाद अब बारी है तो टिटोस लेन जाने की। अलग ही चमक है यहाँ, यहाँ की गलियों में, गोवा की गलियों में। जैसे मस्ती सी है सब दूर, हर चेहरे पर हंसी है, आंखों में खुशी है और हाथ में बीयर की बोतल। ना किसी को गर्मी लगती है ना भीड़ के धक्के, ये वाइब्स हैं यहाँ की, अलग वाइब्स हैं यहाँ। बात ये रोड ट्रिप के कुछ तो फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आपके पास अपनी गाड़ी है, आप कहीं भी रुक सकते हो, कोई नज़ारा देखना है जैसे कि ये नज़ारा पीछे का बेहतरीन सीन है, और इधर पीछे एक वाटरफॉल चल रहा है अभी तो जबकि बारिश भी नहीं हो रही है। तो रोड ट्रिप के ये फ़ायदे होते हैं, जैसे कि अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग गोवा से निकले हैं तो कोल्हापुर जाके रुक जाएंगे ताकि वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, कोल्हापुर से हम लोग नासिक जा सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा रहता है, आपकी गाड़ी रहती है, आपको जहाँ रुकना है जैसे रुकना है, जो अच्छा लगे जो देखना है वहाँ रुको। कोल्हापुर में है, हम लोग वैसे आज पुणे रुकने वाले थे पर कोल्हापुर रुक रहे हैं। कोल्हापुर में एक फेमस महालक्ष्मी मंदिर है, आज वहाँ जाएंगे, दर्शन वगैरह करेंगे और आराम करेंगे, क्योंकि अभी पिछले चार दिन तीन दिन के थके हुए भी हैं, तो आज यहाँ आराम करेंगे। आज हमने 200 किलोमीटर ही गाड़ी चलाई है, फिर कल हम शिरडी जाएंगे या फिर नासिक, वो देखते हैं कल के हिसाब से कहाँ तक हो पाता है उस हिसाब से। फिर गोवा घूम कर आ रहे हैं, पैसा तो खूब खर्च हुआ है, तो अब एक ही रास्ता है, लक्ष्मी माँ। सो वेलकम टू कोल्हापुर का फेमस सात साल पुराना माँ लक्ष्मी मंदिर। तो आज हम लोग शिरडी में हैं, जैसा मैंने कहा था कि हम लोग कार से हैं तो घूमते हुए जाएंगे। हम लोग कल कोल्हापुर थे, आज शिरडी हैं, आज शाम को इंदौर पहुंच जाएंगे। तो अभी शिरडी में हैं, अभी सो के उठे हैं, लेट हो गए हैं, तो अब जाते हैं, दर्शन करते हैं, कुछ खाते पीते हैं और फिर इंदौर के लिए निकलते हैं।
अब बारी साईं बाबा के दर्शन की, और ये इस ट्रिप का आखिरी स्टॉप भी है। एक अच्छे दर्शन और शानदार खाने के बाद इंदौर की ओर बढ़ चले। कैसा है ना, सफ़र ख़त्म होने को है। शिरडी से 400 किलोमीटर इंदौर, दुख था एक शानदार सफ़र के ख़त्म होने।